नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के पहले दिन कार्यक्रम का शुभारंभ करने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे। और साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रम करने पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और इसके साथ ही आपको बता दें कि सतपाल महाराज, वन मंत्री सुभोष उनियाल और इसके साथ ही वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शिरकत की है। और कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने संबोधन में कहा कि गर्व की बात है कि ऋषिकेश विश्व पटल पर योग की अंतर्राष्ट्रीय राजधानी के नाम से मशहूर है। और उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार अध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के कार्य में जुटी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव आज प्रारंभ हो रहा है और इसमें देश विदेश से अनेक स्थानों से योग के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में जिन लोगों को एक विशेष प्रकार की जिनकी रुचि है वो सारे लोग यहाँ आ रहे हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और निश्चित रूप से योग महोत्सव हमारे यहाँ योग की महत्ता, आयुष की महत्ता, अध्यात्म की महत्ता को पूरे विश्व के अंदर ले जाने का काम करेगा। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में योग अब पूरे विश्व का योग बन गया है। सीएम धामी के हल्द्वानी दौरे को नकल विरोधी कानून पर आयोजित आभार रैली के तुरंत बाद ही कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता और दीपक, इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रेसवार्ता की है और धामी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि धामी सरकार की खुशी मना रही है, इस तरह खुशी मना रही है और जैसे प्रदेश में चारों ओर खुशहाली छाई हो। जनता युवा अपने तमाम मुद्दों को लेकर प्रदर्शनरत है और धामी है कि उन्हें हर तरफ हरा ही हरा नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद कार्यकर्ताओं से अपनी पीठ थपवा रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता और युवा अब जागरूक है और उन्हें पता है कि किस प्रकार उन पर नकेल कसी जा रही है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री को अब पद में बने रहने का कोई अधिकार नहीं, उनको नैतिकता के आधार पर ही इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जब सारी जांच हाईकोर्ट की निगरानी में ही करनी है तो सरकार का क्या काम है। और साथ उन्होंने सवाल उठाए हैं कि अपने कार्यकर्ताओं से आभार रैली कराए जाने की बजाय मुख्यमंत्री को पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच करानी चाहिए, क्योंकि सरकार के संरक्षण में चल रही संस्थाएं युवाओं के साथ धोखा कर रही हैं। ऐसे में धामी जी ने इस्तीफा देना चाहिए, धामी सरकार ने इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि खुद ही उन्होंने अपनी विफलता के उसमें प्रमाण पत्र में मोहर लगा दी है, रिपोर्ट कार्ड में मोहर लगा दी है और उनको माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाना पड़ रहा है। जब सरकार पूरी तरह विफल है, जब सारे मामले उच्च न्यायालय ने संभालने हैं तो सरकार की आवश्यकता कहाँ है। और खुद के कार्यकर्ताओं से खुद की पीठ थपथपाना ये भाजपा सरकार की परंपरा है। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर आर बी रतुड़ी ने रुड़की पहुंची और उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है, जिसमें उन्होंने संगठन की मजबूती को लेकर भी चर्चा की है और साथ ही साथ दिल्ली में हुई मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से नाराज आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी भी की है। बताते चले कि रुड़की के रामनगर में मौजूद लेबर चौक पर आम आदमी पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की है। और इस दौरान ही आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव नरेश प्रिंस ने ही कहा कि दिल्ली में शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया से सीबीआई के द्वारा 8 घंटे की पूछताछ की गई, जिसके बाद कुछ निष्पक्ष ना निकलने पर ही भाजपा सरकार के इशारे पर उनकी गिरफ्तारी की गई है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। प्रधानमंत्री के इशारे पर गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि आने वाला 2024 का जो चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी को साफ दिखाई दे रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी एक चट्टान की तरह उनके सामने आके खड़े हो गए। निकाय जो हमारे कैंट बोर्ड के चुनाव होने वाले हैं उसके संबंध में हमने आज वहाँ के पदाधिकारियों की बैठक लेकर के हमको आम आदमी पार्टी को हिस्सेदारी करनी है कि कैंट बोर्ड में किस तरह हम आदरणीय केजरीवाल साहब की बातों को जो उन्होंने देश हित में किए है कि अच्छी शिक्षा, सस्ती शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, सस्ता स्वास्थ्य व्यवस्था जो उन्होंने की है।
चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। महंगाई की मार थमने का नाम नहीं ले रही है। पेट्रोलियम पदार्थों की वृद्धि के बाद आम लोगों ने कमर भी कस ली और पहले ही बता दें आपको कि इसको लेकर महंगाई की मार देखने को मिल रही है और अब महंगाई की मार रसोई पर भी बोझ बन चुकी है। और इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें कि मार्च महीने की शुरुआत में ही घरेलू LPG गैस और कमर्शियल गैसों के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है और जिससे गृहिणी की रसोई पर भारी बोझ पड़ गया है। गैस के दामों में की गई बढ़ोतरी के बाद विपक्ष भी सरकार को घेरने में लगी हुई है। कांग्रेस के वरिष्ठ सचिव काजी निजामुद्दीन ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि आम जनता पर महंगाई का बोझ लगातार ही बढ़ता जा रहा है और लोगों के पास रोजगार नहीं है। पेट्रोल और डीजल से लेकर सभी सामान पर महंगाई बढ़ गई है और अब घरेलू गैस के सिलेंडर पर 50 रुपए की बढ़ोतरी और कमर्शियल पर 350 रुपए की बढ़ोतरी किए जाने से आम आदमी की कमर टूट गई है। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार के इस फैसले का कांग्रेस विरोध करती है और इस महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरकर पूर्ण तरीके से सरकार के इस फैसले का विरोध करेंगे। महंगाई के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी और लगातार महंगाई को बढ़ा रही है। 50 का डालने का ये काम कर रही है सरकार। तो अब आप समझिए, रोटी पर भी इन्होंने GST लगा दी। छोटे ढाबे, छोटे रेस्टोरेंट, छोटी जगह, जो मजदूर कहीं बाहर काम कर रहा है वो ऐसी जगह से खाना खाएगा जहाँ कैंटीन से या किसी रेस्टोरेंट से या किसी ढाबे से, और वो वहाँ व्यावसायिक सिलेंडर पर जब 350 रुपये बढ़ेंगे तो सामान्य व्यक्ति जो घर से बाहर निकल कर खाना खाता है उसको वो खाना महंगा मिलेगा। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के मंडावली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। दरअसल बेकाबू कार ने दो मासूम किशोरियों को जोरदार टक्कर मार दी है। पूरी घटना CCTV में कैद हो गई है। फिलहाल दोनों किशोरियों को हायर सेंटर रेफर किया गया है और पुलिस भी पूछताछ में जुट गई है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर आपको बता दें, शिफन कोट आवासनी हीन संघर्ष समिति ने गांधी चौक से ही मॉल रोड होते हुए वाद निभाओ रैली निकालकर रैली में ही नगर पालिका अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री, इसके साथ ही आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री और इसके साथ ही गणेश जोशी होश में ही आओ के नारे लगाकर शहीद स्थल पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया और शिफन कोट आवासीय संघर्ष समिति के संरक्षण प्रदीप भंडारी और इसके साथ ही समिति अध्यक्ष संजय टमटा का कहना है कि नगर पालिका अध्यक्ष अनूप उत्तर द्वारा ही शिफन कोट वासियों से वादा किया गया था जो भी परिवार यहां से हटाए गए हैं उनको नगर पालिका द्वारा स्थापित किया जाएगा, लेकिन 3 साल पूरे होने के बाद भी स्थापित नहीं किया गया। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा ही वादा किया गया था कि सभी परिवारों को छत के बदले छत दी जाएगी, लेकिन अभी तक छत नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर हमें छत के बदले छत नहीं दी गई तो शहीद स्थल पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। देखिए, जैसे कि यहाँ पर माननीय मंत्री गणेश जोशी जी द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लंडोर में भूमि पूजन कर दिया गया था इन शिफन कोट के लोगों के लिए। सर, हमारी जो रैली है ये 3 साल से चल रहा है। आज का जो मेन मकसद है, जो हमारे साथ जो अध्यक्ष जी ने वादा किया था वो वादा निभाए हैं और जो हमारे साथ जो माननीय मंत्री जी गणेश जोशी जी ने वादा किया था वो वादा निभाए हैं। जब तक हमारा वो उनके वादे पूरे नहीं होते तब तक हमारा अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा। हरिद्वार के DM विनय शंकर पांडे के निर्देश पर हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण द्वारा शंकराचार्य चौक पर गंगनहर के किनारे महज 20 दिन में पार्क का निर्माण कार्य पूरा कर दिया गया। पार्क का निरीक्षण कर DM विनय शंकर पांडे ने HRDA की कार्यशैली की सराहना की है। उन्होंने बताया है कि 20 दिन पहले शंकराचार्य चौक के किनारे ये स्थान बेहद खराब स्थिति में था और यहाँ कूड़ा करकट के ढेर जमा थे। उन्होंने निरीक्षण कर इस जगह के सौंदर्यकरण के निर्देश दिए और इसके साथ
साथ ही एचआरडीए के अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया। बता दें आपको कि बहुत ही कम समय में यहां पार्क का निर्माण कार्य किया जाना सराहनीय है और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बहादराबाद क्षेत्र में भी एक पार्क का निर्माण किया गया है। बहुत जल्द ही पार्क का उद्घाटन भी किया जाएगा। हरिद्वार को देश की सांस्कृतिक और अत्यधिक राजधानी के रूप में ही जाना जाता है और इसके लिए यहाँ की सुंदरता को बनाए रखने का ही उनका मुख्य उद्देश्य है। शंकराचार्य चौक के पास जो ये डेवलप किया गया है, ये बिल्कुल कूड़ा घर की का शक्ल ले चुका था और बड़ी ही बदसूरत स्थिति थी यहाँ की और हरिद्वार का एंट्री पॉइंट था। तो हम लोगों ने इसको फरवरी के सेकंड वीक में 10-11 फरवरी के आसपास विजिट की थी और उसके बाद एचआरडीए को निर्देश दिया था कि यहाँ एक अच्छी लैंडस्केपिंग और अच्छा सा पार्क डेवलप किया जाए और ये मुझे खुशी है कि ये रिकॉर्ड समय में ये काम पूरा हो गया है। अब थोड़ी लाइट वूट लगनी बाकी है और आप भी इसका व्यू देख सकते हैं कि अब ये कितना खूबसूरत रूप ले चुका है। ये तो इस तरह की और भी हम लोग गतिविधियों में बहादराबाद का जो पार्क डेवलप हुआ है उसका जल्दी ही माननीय मंत्री जी द्वारा उद्घाटन भी किया जाएगा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा उसको भी जाकर आप देखिए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। लक्षर विधायक और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के सदस्य हाजी मोहम्मद शहजाद ने दरगाह प्रबंधन तंत्र पर कोई गंभीर आरोप लगाते हुए प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि प्रशासन दरगाह में होने वाली चोरी को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है और दरगाह में फैली अर्थव्यवस्थाओं और दूर होने की वजह बढ़ती जा रही है। प्रबंधन तंत्र पुराने डर्रे पर ही दरगाह की आय को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने में लगा है। मोहम्मद शहजाद ने दरगाह के वार्षिक ठेकों के समय पर नीलाम और किए जाने को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि ठेकों के संबंध में कई बार वक्फ बोर्ड के सीईओ को बता दिया गया है लेकिन दरगाह प्रबंधन ने ठेकों में जानबूझकर देरी कर रही है ताकि ठेकेदार और प्रबंधन साठ गांठ कर अपना उल्लू सीधा कर सके। मेरे बार बार कहने के बाद भी सीईओ से मैं कई बार आग्रह कर चुका हूँ कि भाई जो ये आपके ठेके हैं ये जनवरी फरवरी में कर ले, मैं दिसंबर से आग्रह कर रहा हूँ कि ना आप जनवरी में कर लें, टाइम मिलेगा, अगर कोई नहीं बोली सही नहीं आएगी तो आप दोबारा कर सकते हैं, लेकिन इतना टाइम वो लेना नहीं चाहते जो ठेका दोबारा करना पड़े। इस बात को मैं आपके माध्यम से इसलिए रखना चाहता हूँ कि एक चर्चा बहुत जोरों से चली है। एचआरडीए द्वारा अवैध कॉलोनी और अवैध निर्माणों पर कार्यवाही का सिलसिला लगातार जारी है तो वहीं दूसरी ओर जब एचआरडीए के अधिकारी किसी कॉलोनी या अवैध निर्माण पर नोटिस चस्पा करते हैं या फिर सील लगा देते हैं तो उसके तुरंत बाद ही प्रॉपर्टी डीलर लोगों को लुभाने के लिए या तो उस नोटिस को फाड़ कर फेंक देते हैं या फिर एचआरडीए की सील को तोड़कर फेंक देते हैं। दरअसल सुमन नगर क्षेत्र में ही प्रॉपर्टी डीलरों का एक ये फंडा भी चर्चाओं में है कि जब एचआरडीए के अधिकारी किसी कॉलोनी या अवैध निर्माण पर सील या नोटिस चस्पा करने पहुंचते हैं तो यहां पहले से ही प्लानिंग के तहत कोई बुजुर्ग या फिर महिलाओं को अलर्ट किया हुआ है और कार्रवाई की बात देखते ही यहाँ लोग आक्रामक हो जाते हैं और इसके साथ ही माहौल यहाँ पर खराब हो जाता है जिससे अधिकारियों को कार्रवाई हल्की फुल्की कर वहाँ से तुरंत निकलना पड़ता है। पौड़ी मंडलिया अधिकारियों को पौड़ी से ही कार्य संचालन करने के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद पौड़ी लौटे विधायक राजकुमार पौड़ी का स्थानीय जनता ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया है। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा आतिशबाजी कर खुशी मनाई गई है और विधायक राजकुमार पौड़ी ने पौड़ी के लिए सीएम द्वारा ही की गई घोषणाओं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया गया है। इस दौरान स्थानीय जनता द्वारा भी मंडल मुख्यालय पौड़ी की रौनक वापस लौटने की उम्मीद में स्थानीय विधायक राजकुमार पौरी की कोशिशों पर पारंपरिक विद्या यंत्रों के साथ ही फूल माला पहनाते हुए आभार जताया गया। इस मौके पर भारी संख्या में स्थानीय लोगों की मौजूदगी भी रही है। धन्यवाद आपका भी और आपके चैनल के सभी दर्शकों का भी आभार व्यक्त करता हूँ और समस्त अपनी क्षेत्रीय जनता का दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस तरह का मुझे स्वागत करके यहाँ तक लाए हैं और भगवान की कन्हैया की बड़ी कृपा रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा मेरे आग्रह पर पौड़ी में हुआ और उनको जो जो समस्याएं मैंने बताई थी उन्होंने उन पे उनका संज्ञान लेते हुए अपने सचिव लेवल के जितने अधिकारी होते हैं उनके साथ बैठक की और उसके बाद ये निर्णय लिया कि विधायक जी को भी यहाँ बैठक में बुलाना।
तो मुझे पिछली बैठक में बुलाया गया और बैठक में तय हुआ कि जो जो योजनाएं मैंने यहाँ से 10 योजनाएं भेजी थी उनमें से जो है मैक्सिमम योजनाएं स्वीकृत हो रही हैं। उत्तरकाशी गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग डबरानी के पास सुबह बड़े बड़े बॉर्डर आने से गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया है, जिससे कि मार्ग पर आवाजाही फिलहाल रोक दी गई है। BRO की टीम लगातार मार्ग को खोलने के प्रयास कर रही है। हाथरस से खबर है जहां चर्चित केस में न्यायालय में सुनवाई होनी है। बता दें आपको, न्यायालय भारी सुरक्षा के बीच हुई। पीड़ित परिवार की वकील सीमा कुशवाहा कोर्ट पहुंची हैं और इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें न्याय मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि पीड़ित परिवार को सरकार ने मकान नहीं दिया और ना ही प्रदेश सरकार ने पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी दी है। परिवार लगातार संघर्ष कर रहा था और मैं भी यहाँ हाथरस में आकर के संघर्ष कर रही थी और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से उस बेटी के साथ अपराध किया गया, गैंगरेप किया गया, मर्डर किया गया, कॉमन इंटेंशन था सभी का, SC ST एक्ट का ये केस है, तो इन सारी धाराओं में उनका कन्विक्शन होगा, दोषियों को सजा जरूर मिलेगी और उस पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। रायबरेली से खबर है जहां प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड में घायल दूसरे सिपाही राघवेंद्र सिंह की इलाज के दौरान ही मौत का मामला सामने आया था। बता दें आपको, सिपाही राघवेंद्र का शव पृथक गांव पहुंचा और वहीं सिपाही के पृथक गांव में शोक की लहर छा गई है। बताते चले कि 5 मई को राघवेंद्र की शादी होने वाली थी और शादी की खुशियों मातम में बदल गई है। मौके पर पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी सहित भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहे और लालगंज कोतवाली क्षेत्र के कोहरीहरा गाँव की ये सिपाही थे जो शहीद हो गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।